इस फील्ड में आगे आए। इस सिलसिले में ही हमने एक इवेंट प्लान की है 25 फरवरी को, और मैं बताऊं कि एक एनुअल इवेंट होगी। हर साल एक इस तरह की मैराथन जो है वो गुरुग्राम मैराथन के नाम से कंडक्ट कराई जाएगी। इसमें हमारी एंटिसिपेशन ये है कि लगभग 25,000 के आसपास लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इस लिहाज से ये आसपास के एरिया की सबसे बड़ी मैराथन इवेंट होगी। इवन दिल्ली जो हाफ मैराथन है उससे भी बड़ी इवेंट होगी। जो रनिंग कैटेगरीज हैं वो हमने इसमें सारी रखी हैं। एक फुल मैराथन भी है जो 42 किलोमीटर की है, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की है, फिर देख 10 किलोमीटर की इवेंट है, और एक 5 किलोमीटर की जिसको हमने फन रन का नाम दिया है कि जो लोग फन पर्पज से या एंजॉयमेंट पर्पज से आना चाहते हैं तो अपना 5 किलोमीटर का इवेंट अटेंड कर सकते हैं। और ये जो हमारा जो मैराथन इवेंट है ये शुरू होगी लेजर वैली पार्क से, सेक्टर 29 से। वहाँ पे सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इकट्ठे होंगे। वहाँ पे हम परफॉर्मेंस स्टेज वगैरह रखेंगे जहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेज वगैरह होंगे, और फिर वहाँ से फ्लैग ऑफ करके मैराथन इवेंट्स को निकाला जाएगा। नेचुरली टाइमिंग्स इनकी अलग अलग रखेंगे, स्टैगर्ड रखेंगे। जो फुल मैराथन है 42 किलोमीटर वो लगभग उसमें 4 से 5 घंटे जो है एवरेज रनर लेते हैं उसमें, उसको दौड़ने में। तो वो हम मॉर्निंग में 4:30 पे शुरू करेंगे सो दैट वो समय पे पूरी हो जाए। सिमिलरली जो हमारी हाफ मैराथन है यानी जो 21 किलोमीटर की रेस है वो 6:30 शुरू करेंगे। जो हमारी बाकी 10 किलोमीटर की और 5 किलोमीटर की रेसेस हैं वो हम उसके बाद 7:30-8 बजे के आसपास शुरू करेंगे। और इस पूरे रूट पे जो है नेचुरली ट्रैफिक पुलिस की और बाकी सारे वॉलंटियर्स की भी ड्यूटी रहेगी। लगभग 300 के करीब वॉलंटियर्स इस पूरी मैराथन को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान देंगे। इसमें पार्टिसिपेशन के लिए हमने gurugrammarathon.com के नाम से एक पोर्टल बनाया है। उसमें कोई भी रनर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसमें सारी कैटेगरीज भी लिखी हुई हैं, तो आपको कौन से कैटेगरी में दौड़ना है वो कैटेगरी में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमने उसकी चार्जेस भी बहुत नॉमिनल रखे हैं। आपने देखा होगा कि जो भी मैराथन्स होती हैं उसमें चार्जेस 2,000-2,500 इस प्रकार से एक रनर के लिए रखे जाते हैं। हमने उसमें चार्जेस रखे हैं, अगर आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है तो 100 रुपये, 21 किलोमीटर के लिए 200 रुपये, और 42 किलोमीटर के लिए 250 रुपये। तो ये नॉमिनल चार्जेस हैं, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए और हम किसी प्रकार से, क्योंकि सरकारी इवेंट है, चार्जिंग ना करें। विचार ये चार्जिंग रखने का इसलिए आया, एक बार तो हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारी कैटेगरीज के लिए रखना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने फिर ये जब हमने रनर्स कम्युनिटीज इनसे डिस्कशन किया, रनर से चर्चा की, तो ये विचार आया कि अगर आप चाहे कितना ही कम रखें लेकिन अगर कोई चार्ज रखेंगे, लोग से रजिस्टर करवाएंगे, तो लोग फिर कमिटेड फील करेंगे और वो दौड़ने के लिए आएंगे। अदरवाइज तो फिर लोग आते नहीं है रनिंग करने के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, हमने 2 दिन पहले इसका एक एक्सपो इवेंट रखा है 22 और 23 तारीख को, वहीं लेजर वैली पार्क में ही, उसकी जो पार्किंग है वहाँ पे। उस एक्सपो में हम जितने भी रनर्स होंगे जो रजिस्टर करेंगे उनको एक हम किट देंगे। उस किट में एक टी शर्ट होगी, एक बैग होगा, एक उनकी बिब होगी जो बेसिकली आप रनिंग करते टाइम आगे लगाते हैं। उस बिब में एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग चिप भी होगी, वो सब वहाँ से लेकर के जाएंगे, और फिर उसको जब रनिंग वाले दिन उसको बिब को लगा के आएंगे, टी शर्ट को पहन के आएंगे और दौड़ेंगे, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग होगी। वो अपने आप उनकी टाइमिंग जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक टाइम मेजरमेंट यूनिट्स लगाएंगे उनके थ्रू उनको, और वो कई सारी लगाई जाएंगी ताकि उनको ये पता रहे कि कितने डिस्टेंस उन्होंने कितने टाइम में कैलकुलेट की। और जब वो पूरी कर लेंगे इवेंट तो उनकी फाइनल जो टाइमिंग्स है वो भी वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं कि उन्होंने पूरी रेस कितनी देर में कंप्लीट की है, और लास्ट में उनको मेडल्स भी दिए जाएंगे। जितने भी लोग रेस कंप्लीट करेंगे चाहे कितने भी समय में करें सबको मेडल दिए जाएंगे। और फोटोग्राफी के लिए भी हमने एक लगभग 20-25 लोगों की पूरी टीम इसमें लगाई है जो कि रूट में भी फोटोग्राफी करती रहेगी। तो बिब नंबर से जब आप सर्च करेंगे तो आप अपने पूरे रेस की फ़ोटोज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, तो आपके अलग अलग जगह पे दौड़ते हुए जो जो फ़ोटो कैप्चर होंगी वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी कल्चरल परफॉर्मेंसेज भी पूरे रूट के दौरान रखे जाएंगे। तो जहाँ से मैराथन रेस शुरू होगी वहाँ पर एक परफॉर्मेंस स्टेज बनेगा, वहाँ पर जो अच्छे नेशनल लेवल के जो कलाकार हैं वो परफॉर्मेंसेज देंगे, ताकि जो हमारी क्राउड जो रनर्स गैदर हुए हैं 25,000 की जो भीड़ है लोग हैं वो उसका एंटरटेनमेंट का आनंद ले सके। उसके बाद जब रेस शुरू होगी तो जगह जगह पे हर 1-2 किलोमीटर के बाद भी छोटी छोटी कल्चरल टुकड़ियां रहेंगी जो वहाँ परफॉर्मेंस करती रहेंगी और उनका हौसला अफजाई कलाकारों जो रनर्स हैं उनका करते रहेंगे।
इसके अलावा हमने अलग अलग जगह पे मेडिकल स्टेशंस भी रखे हैं, तो हम लगभग हर किलोमीटर पे एक मेडिकल स्टेशन देंगे ताकि किसी को कोई दौड़ने में उसके दौरान कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ध्यान रखा जा सके। साथ हमने एड स्टेशंस भी रखे हैं जहाँ पानी, ग्लूकोज, कुछ और ऑरेंजेस वगैरह इस तरह की चीज़ें वहाँ पे कुछ एनर्जी बढ़ाने के लिए जो रनर्स हैं उनको समय समय पे मिलती रही। टॉयलेट्स भी वहाँ पे उनको प्रोवाइड किए गए, तो एक तरीके से बहुत ही और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से ताकि जो रनर्स हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, ये हमने इंश्योर किया है। जो हमारे विनर्स हैं उनके लिए हमने बड़े ही एक्साइटिंग प्राइजेस भी रखे हैं। हालांकि अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग अवार्ड्स हैं, जैसे आप देखेंगे जो फुल मैराथन है उसमें जो फर्स्ट रैंक आएगी उसको 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा, मेल कैटेगरी में भी और फीमेल कैटेगरी में। सेकंड जो पोजीशन जो आएगी उसको भी 1 लाख मिलेगा और थर्ड पे 75,000 मिलेगा मेल फीमेल दोनों के केस में। एक हमने मास्टर्स कैटेगरी रखी है, यानी जो 45 साल से उम्र ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको 50,000 मेल फीमेल कैटेगरी में अवार्ड रहेगा। सिमिलरली हाफ मैराथन में यही अवार्ड 1,75,000 और 50,000 है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसी प्रकार से 10 किलोमीटर के लिए भी अवार्ड्स हैं। सिमिलरली अलग भी और भी बहुत सारी कैटेगरीज रखी गई हैं, जैसे सबसे यंगेस्ट रनर कौन है इसकी एक कैटेगरी है, सबसे ओल्डेस्ट रनर कौन है उनकी कैटेगरी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं PWDs हैं उनके लिए भी अवार्ड्स हैं, जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए अवार्ड हैं। तो इस प्रकार से मल्टीपल कैटेगरीज हमने इसमें अवार्ड के लिए रखी हुई हैं। साथ ही में हमने इवेंट का एक वेबसाइट जो है आज फॉर्मल लॉन्च आपके ज़रिए करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इस वेबसाइट को सब लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसको एक्सेस करें और अपना इस पर रजिस्ट्रेशन भी कराएं। हमने लोगो भी इस मैराथन का लॉन्च किया है, आई एम श्योर आपको ये लोगो विजिबल भी होगा और वेबसाइट पर भी आप इस लोगो को देख पाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में 25 तारीख तक जो हमारे शहर के अलग अलग हिस्से हैं या इवन ज़िले के अलग अलग हिस्से हैं, जैसे सोना है, फरूकनगर है, पटौदी है, बादशाहपुर है, ओल्ड गुड़गांव है, सब जगह पे हम प्रमोशनल रन्स भी कराएं। तो कुछ 500,000 लोगों की भी हम बीच बीच में इवेंट्स कराते रहेंगे ताकि लोगों को 25 तारीख के बारे में जागरूकता पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आएँ। फ्लैग ऑफ के लिए CM साहब माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो यहाँ रहेंगे और उनके द्वारा हम फ्लैग ऑफ कराएंगे और हम कुछ जो हमारे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे भी और जो बाकी जो फिल्म एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं उनसे भी हम बातचीत में हैं और हम वहाँ से भी जो अच्छे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हैं या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी एम्बेसडर्स के तौर पर इस इवेंट से जोड़ेंगे। उसकी एक दो दिन में जैसे ही कन्फर्मेशन होती है तो उसकी सूचना भी हम आपको इसको लेकर के दे देंगे। एक चीज़ और है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आएंगे उन सबको, जैसे मैंने कहा कि उनको हम एनर्जी ड्रिंक्स तो देंगे ही, जैसे ग्लूकोज हो गया या और बाकी एनर्जी ड्रिंक्स, उसके बाद इवेंट ख़त्म होने पे उनका ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट भी हम वहाँ पे सब लोगों के लिए कराएंगे। और हमने ये इंश्योर किया है कि ये जो सूचना है वो अलग अलग मीडिया ग्रुप्स के जो हम एडवर्टीज़मेंट्स दे रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, वो जगह जगह शहर में लगाए जाएँ ताकि उसके थ्रू लोगों में सूचना पहुंचे। आने वाले एक दो दिन में सारी सिटी में इस तरह के होर्डिंग बैनर्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में गुरुग्राम में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं और जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें जो 11th-12th के बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ भी हम मीटिंग कर रहे हैं ताकि वहाँ से भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हम इंश्योर कर सकें और उनको बच्चों को भी इस गुड कोर्स से जोड़ सकें। चूँकि एक संडे का दिन होगा और मॉर्निंग में इवेंट होगा तो किसी प्रकार के उनकी जो रूटीन वर्क है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। हमने जो हमारी RWAs हैं जो गुरुग्राम के रनर ग्रुप्स हैं, जो साइकिलिंग ग्रुप्स हैं, उनको भी इससे जोड़ा है और साथ ही में जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको भी इन्वाइट किया है कि वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को इसमें लेकर के आएँ और इनको यहाँ पर दौड़ाएँ। तो मेरी आप सभी मीडिया साथियों से ये आग्रह रहेगा कि ये एक हमारे शहर के लिए एक ऐसी प्रेस्टीज की पॉइंट बनने जा रही है जो हर साल दर साल जो है वो जिसका आयोजन होगा और धीरे धीरे करके जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी तो हम देखेंगे कि देश भर के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ दौड़ने के लिए आएंगे, जैसे दिल्ली हाफ मैराथन में या पुणे मैराथन में या बाकी जगह पर बॉम्बे में लोग, मुंबई में लोग यहाँ से जाते हैं। और गुरुग्राम में हमें होने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे यहाँ इतने सारे कॉरपोरेट्स हैं कि इनके एम्प्लॉयज़ रेगुलर बेसिस पे, इतने सारे रनर ग्रुप्स हैं वो अलग अलग देश के हिस्सों में मैराथन दौड़ने के लिए जाते हैं। तो जब हम यहाँ अपनी खुद की शहर की मैराथन कराएंगे तो उनको एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो इसको अवेल करें।
तो मेरी आप सभी मीडिया के साथियों से आग्रह है कि इस जो इवेंट की बेहतर सबसे अच्छी पब्लिसिटी हो और हम हर इंसान तक इसकी जानकारी गुरुग्राम में पहुंचाएं। सर टोटल इसका रूट चार्ट हम आपसे शेयर कर लेंगे। लेजर वैली से हम इसको जो हमारे न्यू गुरुग्राम के सेक्टर्स हैं वहां तक हमने इसका रूट प्लान किया है और ये टोटल 21 किलोमीटर का रूट है। तो जो फुल मैराथन वाले हैं वो उस रूट को दो बारी रनिंग करेंगे और हाफ मैराथन वाले एक बार जा करके वापस आएंगे। जो 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर हैं उनके लिए बीच में से ही यू टर्न बनाए गए हैं और साइनेजेस लगाए जाएंगे। इसका रूट चार्ट हम आपसे ज़रूर अभी शेयर कर लेंगे। जो पार्टिसिपेशन है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 25,000 लोग इसमें आएंगे। उसमें हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारी एक्सपेक्टेड है कि लगभग 5,000 से 7,000 लोग इसको ऑफिशियली रजिस्टर करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे कॉलेजेस जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज में रजिस्टर करेंगे, बाकी जो 20,000 लोग हैं वो फन रन जो 5 किलोमीटर कैटेगरी है जो कॉम्पिटिटिव नहीं है उसमें वो रजिस्टर करेंगे। इसका जो मेन पर्पज जो हमारा हरियाणा उदय का थीम था जिसमें पर्टिकुलरली यूथ को साथ लेके आया जाए, उनकी एनर्जी को जो चैनलाइज किया जाए, वही इसका कॉज रहेगा। और ट्रैफिक की नेचुरली अरेंजमेंट्स जो है वो हमने करी है ऑलरेडी। ट्रैफिक जो मेन रोड्स हैं वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा। बड़ी संख्या में जो है वहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी हमारे यहाँ पे रहेंगे जिनकी ड्यूटीज़ रहेगी। और हमारे जैसे मैंने कहा लगभग 300 के करीब तो वॉलंटियर्स इसमें रहेंगे। तो आप देखेंगे कि हर 100-200 मीटर पे कोई ना कोई ट्रैफिक पुलिस से हमारे वॉलंटियर से वहाँ पे रहेगा जो उन रनर्स की हम हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे। इसके अलावा पुलिस की जो पायलट व्हीकल है वो भी आगे उन सबको पायलट और एस्कॉर्ट करते हुए चलेंगे। इसका फिगर है हमारे पास अब तक की रजिस्ट्रेशन का लगभग कॉम्पिटिटिव, तो कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में अभी तक लगभग 3,500 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले इसका शुरू किया, आपने देखा होगा संडे को पहली एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर्स में इसकी आई थी। तो हमें उम्मीद है कि ये संख्या जैसे मैंने कंजर्वेटिव साइड में बताया कि 5,000 से 7,000 लोग, हो सकता है ये कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज में ही 10,000 से ऊपर ये संख्या चली जाएगी। इसमें हमने जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल है वो हमारी इसकी ऑथराइज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसका नोडल डिपार्टमेंट है तो ऑथराइज जो अकाउंट है वो उसका है। और जो जितनी भी मैराथन्स होती हैं जो मेन जो हमारे पेमेंट गेटवेज बने हुए जो वेबसाइट बनी हुई उनको हमने इसमें लिंक किया है तो उसमें मैं नहीं देखता कि इसमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी। दूसरा जैसे मैंने बताया कि हमने चार्जेस भी बड़े नॉमिनल रखे हैं और वो भी सिर्फ कमिटमेंट पर्पस के लिए रखे हैं कि जो भी रजिस्टर कर रहे वो आए, अदरवाइज गवर्नमेंट का प्रशासन का ये पर्पस बिल्कुल नहीं है कि हम कोई चार्जेस लोगों पे लगा करके और उन पे उनको उसके थ्रू कोई हम कॉस्ट जो है वो वसूल करें। इतनी बड़ी मैराथन कराने का मकसद क्या है, क्या संदेश जिला प्रशासन देना चाहते हैं? इसमें दो मैं कहूँगा संदेश है इसमें हमारा देने का। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने कहा कि हमारा पर्पस है कि हम शहर के लिए एक ब्रांड क्रिएट करें। हर साल जैसे मैंने कहा कि कई शहरों की अपनी मैराथन्स हैं वो उनके लिए एक ब्रांड का तौर पे काम करती हैं। उस जिस दिन वो मैराथन्स होती हैं उस दिन उसके एक दिन पहले से ही देश भर से लोग जो है वहाँ जाते हैं। आप एक रफ फिगर लें तो जो अभी अक्टूबर में डेली हाफ मैराथन हुई थी वेदांता डेली हाफ मैराथन, उसमें लगभग 5,000 के करीब लोग हमारे गुरुग्राम से वहाँ गए थे दौड़ने के लिए और बाकी और शहर के हिस्सों से भी, मुंबई से, पुणे से, बेंगलोर से भी वहाँ पर रनर्स आए थे। इनफैक्ट कई सारे लोग तो इतने डेडिकेटेड है रनर ग्रुप्स में, जब आप बैठेंगे उनसे बातचीत करेंगे तो पाएंगे कि वो विदेश में भी दौड़ने के लिए, दुबई में और बाकी कंट्रीज़ में भी दौड़ने के लिए जाते हैं। तो गुरुग्राम अब हमारा जो सिटी है इसका नाम देखिए विश्व पटल पे है तो उसमें हमारे एक मैराथन के थ्रू हमारे शहर की एक इमेज बने, एक ब्रांड बने, पहला पर्पज़ तो ये है। दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को हम इसमें जोड़ें और यूथ की एनर्जी को हम चैनलाइज करें, डाइवर्ट करें, ये भी हमारा पर्पज़ रहेगा। तीसरा एक एजेंडा हम इसमें जोड़ेंगे स्वीप एक्टिविटी का, वोटर्स एक्टिविटी एक्टिवेशन का, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं लोकसभा भी विधानसभा भी, तो हम जो यूथ है विशेष करके उनको जागरूक करेंगे कि वो इसमें अपने वोट्स भी बनाएं और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग भी करें, क्योंकि हमने गुरुग्राम में ये देखने पर पाया है कि यहाँ हमारा वो जो वोटिंग परसेंटेज है वो रिलेटिवली बाकी ज़िलों से कई बारी कम रहा है तो उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो उसकी कड़ी में भी एक ये इवेंट रहेगी। बट जैसे मैंने बताया मुख्य जो हमारा पर्पज़ है वो सिटी के लिए एक ब्रांड क्रिएट करने का है, इसके थ्रू हम करेंगे और ये इसका पहला एडिशन है। हर साल ये इवेंट जो है आगे सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कराई जाएगी। अच्छा सर, एक और सवाल पूछ ले सर।
किसान आंदोलन चल रहा है, देखिए इसमें गुरुग्राम पे जो है सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है और इसमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि मैंने काफ़ी सारी RWAs के साथ, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स के साथ इस पे चर्चा की है और उन सब में मैंने ये पाया कि वो सब बहुत एक्साइटेड हैं इस इवेंट को लेकर के, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इस तरह की कोई व्यवधान होगी। और वैसे भी ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हर आदमी कनेक्ट करता है, तो हम तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट। अच्छा सर, किसान आंदोलन को लेकर मैं बात करना चाहूँगा, चारों तरफ से जिस तरह से टेंस कंडीशन है, गुड़गांव की क्या सिचुएशन है, गुड़गांव जिला प्रशासन अगर किसान गुड़गांव में पहुँचते हैं तो कैसे निपटेगा इस चुनौती से? देखिए गुड़गांव की हमारी प्रशासन की तैयारियाँ पूरी हैं, हमें एंटिसिपेशन ये है कि जो हमारा नेशनल हाईवे है दिल्ली जयपुर हाईवे, वहाँ से जैसे पिछली बारी मूवमेंट हुई थी फार्मर्स की, वो हो सकती है, उसको लेकर के नेचुरली रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ने ऑलरेडी वहाँ पे जो है अपना बैरिकेड नाका लगाया है और हमारी पूरी उसमें ये मानना है कि वो नाका जो है वो पर्याप्त रहेगा, कोई भी अगर ऐसा अनरूली एलिमेंट वहाँ आता है उसको रोकने के लिए। फिर भी हमारी मुस्तैदी पूरी है, हमने जो जब भी आवश्यकता होगी ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे, पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करके ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की मूवमेंट ना हो और हम गुरुग्राम जिले के बॉर्डर पे ही इस तरह की मूवमेंट को रोक दें। सर, मेवात से भी किसानों ने पिछली बार ये कहा था कि हम इस आंदोलन के अंदर हिस्सा लेंगे, तो मेवात से और कुडली एक्सप्रेस वे कुडली KMPA से सर ना आए किसान इस तरफ से, उसको लेकर वहाँ पे भी हमारी पूरी तैयारी रहेगी। कुंडली बॉर्डर पे वैसे सोनीपत प्रशासन और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है तैयारी की जा रही है, उसमें हमें एंटिसिपेशन नहीं है कि वो वहाँ से क्राउड गुरुग्राम में आएगी, बट स्टिल जैसे मैंने कहा कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं, जो जो मेन मेन रोड है, सब जगह हम तैयारी रखेंगे इसके लिए, जो हमारी फोर्स है उनकी तैयारी हो गई है, जो हमें रोकने के लिए और कोई इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो बैरिकेड्स हों चाहे और भी इक्विपमेंट्स हों, वो हमारी पूरी तैयारी। अच्छा, अभी तक के इनपुट्स क्या हैं, कितने किसान पहुँचने की संभावना जताई जा रही है सर? अभी मुझे नहीं लगता कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स में कोई भी मूवमेंट होगी या कोई भी किसान उसमें पहुंचेगा, हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि इस तरह की नौबतियां बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर, मेवात की दंगाइयों के सामने प्रशासन सारे फेल हुए आज तक। देखिए इस तरह की चीज़ों पे मैं तो यही कहूँगा कि सामाजिक सौहार्द जो बनाना है वो प्रशासन और समाज सबका काम है, और मुझे नहीं लगता समाज का कोई भी आदमी ये चाहेगा कि इस तरह की कोई कानून व्यवस्था बिगड़े, और गुरुग्राम जैसे शहर में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये शहर अपने सौहार्द के लिए जाना जाता है और एक इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। फिर भी हमारी पूरी तैयारी है। सर, पड़ोसी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, हमारे यहाँ से बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे जाएंगे और उसकी हमने आज सुबह बैठक करके और ये इंश्योर कराया कि जो जो लाभार्थी वहाँ जाने के इच्छुक हैं उनको हम एक तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देंगे, उनको बसेस प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा गुरुग्राम का एक प्रोजेक्ट है उसका फाउंडेशन भी वहाँ पे होगा, जो कि हमारा जो मेट्रो एक्सपेंशन है उसका फाउंडेशन भी होगा, तो उसका एक रेप्लिका प्रोग्राम हम सेक्टर 44 में यहाँ पे रख रहे हैं और उसमें भी कुछ लोगों को यहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराएंगे कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो रेवाड़ी वाला प्रोग्राम है उसको लाइव देख सकते हैं। अच्छा सर, द्वारका एक्सप्रेसवे का अभी जो है नहीं डिसीजन हुआ है उसका, हालांकि उसकी तैयारियां जो है चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि या तो फरवरी एंड में या मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक में उसका भी इनॉग्रेशन होने के चांसेस हैं।